लास्ट आप देखिया कि फाइवर के उ अकाउंट कि क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आप सारे आह प्रोसैस कर लिया तो लास्ट स्टैप अपना फिनिश्ड सगा। जो आप इस क्लिक किया अपने को विंडो ओपन हुई सी। इस कोर्स के बारे दसया गया से, मैं एक बार फिर दस दिनी हाँ कि यह कोर्स फ्री चल रहा है फाइवर के वलों। तो फ्री कोर्स हर टाइम नहीं होंगे, सो इसका फायदा तुम चक सकते हो अगर तुम हूँ ही जोड़ा है साइन इन कर करोगे। तो सो मैं साइन इन का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दे दाँगी, तुम उत्थों जोड़ा है साइन इन कर लेना है। सो मैं फिनिश कर दिनी हाँ इसको। फिनिश करन तो बाद देखो ये रीडायरैक्ट हो रहा है, तो इस तो बाद जोड़ा अपना गिग का पेज ओपन हो जाएगा कि ये हम अज अपना टॉपिक यही है कि आप किस तरह गिग क्रिएट कर सकते हैं। सो ये आप गिग क्रिएट करना जी थोड़ा ये पेज ओपन नहीं होंगे, इस पेज के उत्ते नहीं सी, दैन तुम अपनी आई डी ओपन करन तो बाद फाइवर के प्रोफाइल के उत्ते क्लिक करोगे। जो तुम प्रोफाइल के उत्ते क्लिक करोगे दैन थोड़े को अपना प्रोफाइल पेज ओपन होगा, या फिर जो भी तुम आई डी ओपन करते हो तो भी थोड़ा जो प्रोफाइल पेज ओपन हो जाता। अगर नहीं होंगे दैन तुम अपने पिक के उत्ते क्लिक करके प्रोफाइल के उत्ते क्लिक करना, दैन प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा। देखो ये फस्ट आप जो सैटअप कर लेंगे। देखो इधरले पास आप कोई जो चूजी जहाँ नाम देना होंगे जोड़ा कि क्लाइंट के माइंड सैट हो जाए, या फिर तुम कुछ भी अपना इतने जोड़ा अपने स्किल के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। सपोज मैं इतने जोड़ा अपना लिख दी हाँ ग्राफिक डिजाइनर। देखो ग्राफिक डिजाइनर मैं लिखा या फिर कला लिख दिनी हाँ डिजाइनर। सो मैं डिजाइनर लिख के अगर मैं सेव कर दिनी हाँ तो मेरे क्लाइंट्स को पता लग जाएगा कि मैं जोड़ा आ कोई डिजाइन करन दा काम जोड़ा वो कर दी हाँ। सो मैंने डिजाइन के उत्ते क्लिक कर दिता। उस तो बाद देखो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू गिग, तुम ये उत्ते क्लिक कर दैन तुम ऑटोमेटिकली उस पेज उत्ते जाओगे। सब तो पहले जो मैं ये क्लिक किया तो एक पेज ओपन होगा जिद उन्होंने सानू सारा कुछ दसिया होया है। इस वीडियो नूं तुसी सुन भी सकते हो और कंटिन्यू उत्ते क्लिक कर सकते हो। इस तो बाद दो तीन विंडो ओपन होनी है, कंटिन्यू उत्ते क्लिक करके तुसी इस पेज के उत्ते आ जाओगे। जो तुसी इस पेज के उत्ते आओगे इतने सब तो पहला तुसी अपने गिग का टाइटल देना कि तुसी केड़ा काम करना आ। सपोज जिदा कि मैं ये काम करना चाहनी हाँ वर्ड और एक्सल का काम करना चाहनी हाँ। सो मैं इतने लिखूंगी, देखो आई विल तुसी चेंज नहीं कर सकते, ये हर जो टाइटल आई विल तो ही स्टार्ट होंदा आ। सो ये लिखा आई विल डू एनी काइंड ऑफ वर्क इन वर्ड और एक्सल लिख दिनी हाँ। उस तो बाद आप कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। हुण कैटेगरी आप अपने काम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। अगर तुहानू नहीं पता तो तुसी सर्च करना पहला fiverr.com, मतलब फाइवर के चले जाना फाइवर की वैबसाइट के सर्च बॉक्स के मान लो तुसी वर्ड का काम और एक्सल का काम जिदा आप करना है। सो आप इसे सर्च बॉक्स के वर्ड लिख के सर्च करांगे। सपोज मैं इतने वर्ड लिखिया और मैं सर्च किया। जो मैं ये सर्च करांगी तो मैं सिर्फ वर्ड के रिलेटेड जोड़े गिग लोगों ने बनाए हुए होंगे वो मैं शो होंगे, तो उन्होंने मैं देख सकती हाँ कि वर्ड केड़ी कैटेगरी के आता, मतलब वर्ड और एक्सल के उत्ते जो आप काम करते हैं तो केड़ी कैटेगरी के अंडर आता। सो सब तो पहले देखो मैं ये जो गिग ओपन कर ली हाँ। देखो उपर नहीं क्लिक करना, तुम गिग के उत्ते क्लिक करना जिते लिखा आई विल है ना, उसके उत्ते क्लिक करना। देखो जो तुसी गिग नू ओपन कर देंदे हो तो देखो सब तो उपर हुंदा अपने को कैटेगरी। देखो उपर लिखा होया बिजनेस एंड डेटा एंट्री, सो ये हैगी इहदी कैटेगरी। सो वर्ड और एक्सल दी इह कैटेगरी, तुसी होर भी गिग देख सकते हो कि यह कैटेगरी सही है जां नहीं हैगी सही कन्फर्म करन दे लई। सो मैं देख लिया है, मैनू पता है कि बिजनेस और कैटेगरी बिजनेस दे विच और डेटा एंट्री दे विच आउंदा, मतलब यह काम। सो आपां इत्थे बिजनेस एंड डेटा एंट्री इधरों सिलेक्ट कर लैंदे हां। सो यदी कैटेगरी सिलेक्ट होगी, कैटेगरी थोड़ी हमेशा सही होनी चाहिए है, ता ही थोड़ा गिग जोड़ा है टॉप बच्च रैंक करेगा। सो नैक्सट है अपने को सर्च टैग। सर्च टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट आ, क्योंकि जो भी कोई क्लाइंट थानू सर्च करेगा तो वह इन्ह टैग्स की हैल्प नहीं कर सकता आ। सो थोड़े टैग्स जोड़े वो राइट होने चाहिए, थोड़े काम के अकॉर्डिंग होने चाहिए आ। जिदा कि मैं वर्ड का काम करना, मैं वर्ड लिख दिता। कोई क्लाइंट MS वर्ड लिख के सर्च कर सकता, दैन भी मेरा जोड़ा गिग सामने आएगा। कोई क्लाइंट एक्सल कला लिख के सर्च कर सकता ता भी आएगा। कोई एफिशिएंट वर्क लिख के सर्च कर सकता ता भी आएगा। डिजाइनिंग लिख के सर्च कर सकता ता भी आएगा। डेटा एंट्री लिख के सर्च करेगा ता भी आएगा। सो ये आप जे आप टैग दे सकते हैं। सो पांच टैग बहुत ही सोच समझ के तुसी देने कि जिदा के क्लाइंट थानू लगता कि सर्च करेंगे।
सो उस तो बाद हैगी प्राइजिंग। हुण तुसीं इत्थे अपनी गिग का प्राइज सैट करना कि तुसीं अपने गिग का प्राइज किन्ना लगाउणा चाहुंदे हो। सब तो पहले देखो आपां इत्थे लगा दिंदे आ ऐड दे विच क्लिक करके। देखो इहदे विच इक आ बेसिक, बेसिक भी आपां लगा सकदे आ ते तीन प्राइज भी आपां जिहड़े इहदे सैट कर सकदे आ। सो मैं पहला तुहानूं तीन प्राइज सैट करने दस दिंदी आ। सो आपां इत्थे क्लिक करांगे ट्राई नाउ दे उत्ते। देखो उपर जिहड़ा लिखा होया थ्री पैकेज उहदे उत्ते मैं क्लिक करके जांदा फिर जां फिर ट्राई नाउ दे उत्ते क्लिक करना। देखो गिग पैकेज लिखा होया उहदे बारे इनफॉर्मेशन दित्ती हुई आ, गॉट इट करके उस तो बाद देखो तीनों पैकेज जिहड़े आ अपने ओपन हो गए आ। हुण बेसिक दे विच मान लो तुसीं लिखिया सिल्वर और स्टैंडर्ड दे विच लिखिया सपोज आपां गोल्ड और प्रीमियम दे विच लिख लिया डायमंड। मतलब कि ये मैं अपने जिहड़े पैकेज आ उन्हां दा नेम सैट कर दिता। कोई भी तुसी नेम जिहड़ा आ सैट कर सकते हो, मतलब हाई लोअर टू हाई होना चाहिए नाम तुहाडा, ठीक है। इसी तरह आपां जिहड़ा आ एनी काइंड ऑफ मतलब तुसी इहदे विच काम किस तरह का करना, मतलब की काम करना, किद्दां दा काम करना चाहुंदे हां, आपां कोई भी काम कहिंदे करना आ 5 to 20 पेजिस तक जिहड़ा आ आपां काम सिल्वर दे विच करना आ। ते इहदे विच आपां लिख दिंदे आ एनी काइंड ऑफ वर्क, सपोज आप लिख दिता इतने 20 to 50 पेजिस, मतलब 50 पेजिस तक जिहड़ा काम आप अगर कोई गोल्ड पैक अपना सिलेक्ट करता दैन उहदे विच आप इन्ना काम करांगे। सो इसी तरह आप डायमंड पैक भी अपना सैट कर दें। देखो ये आप 50 तो रख दें, 50 to 70 पेजिस का जिहड़ा काम आप करांगे। उस तो बाद डिलीवरी टाइम तुसीं इहदा दे देना है। देखो इहदे विच थोड़े पेजिस तो मैं 1 डे दे दिता, इहदे विच थोड़े ज़्यादा दैन 2 डेज दे दिता, तो इहदे विच थोड़े होर ज़्यादा तो मैं इहदे विच 3 डे जिहड़ा सिलेक्ट कर लैंदी हाँ, जां फिर तुसीं 2 डे भी रख सकते हो। उस तो बाद आवर्स ऑफ वर्क, मतलब तुसीं किन्ने घंटे दे विच काम कर सकते हो, तुसीं वो काम दस देना अपना किन्ने घंटे दे विच काम कर सकते हो, तो तुसीं वो घंटे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं 3 घंटे ले दिता कि मैं 3 घंटे के बच्चे काम जो डन कर लूँगी, बट मैं जो टोटल टाइम लिया आया वो 1 दिन का लिया हुआ है। सो ये 6 ले लिया, ये मैं 12 ले लिया। उस तो बाद फॉरमैटिंग एंड क्लीनअप, मतलब तुसीं की फॉरमैटिंग भी करके दोगे यदि तो क्लीनअप मतलब कि क्लीन करके दोगे डॉक्यूमेंट नूं प्रोपर कि मतलब कोई मिसटेक ना हो उस दे विच। दैन वो मैं सिल्वर दे विच मैं जिहड़ा आ वो नहीं दवांगी, मैं ना ही मैं गोल्ड विच दवांगी, जां फिर गोल्ड विच दे लैंदे आ आपां गोल्ड एंड डायमंड दे विच आपां टिक कर दित्ता कि सिल्वर दे विच, बट इह जिहड़ा आपां फैसिलिटी आ उह नहीं दवांगी क्लाइंट नूं। अगर क्लाइंट नूं ये फैसिलिटी चाहिए तो उन्होंने गोल्ड या डायमंड पैक लेना पवेगा। सो इसी तरह अपने को नैक्सट हैगा कि ग्राफ एंड टेबल क्रिएट करके देने आ, वो भी आप गोल्ड एंड डायमंड ले लेंगे। इस तरह रिवीजन, देखो रिवीजन होंगे आ कि तुसी थोड़ा कोई काम च कोई मिसटेक आ जा क्लाइंट नूं थोड़ा पसंद नहीं आया, कुछ चेंजेस करवाना चाहता, दैन तुसी वो चेंजेस करके देनिया होंदियां आ। सो ये तुसी रिवीजन किन्नी वारी कर सकते हो वो तुसी लै देना। सो मैं डायमंड दे विच अनलिमिटेड कर दिता है ते बाकियां दे विच थोड़ा थोड़ा कर दिता। सो इसी तरह जिहड़ा मेरा प्राइस सैट कर देना जिहड़ा सिल्वर दा उहदा मैं $5 कर दिता है। सो इसी तरह तुसी जिहड़ा गोल्ड दा $10 कर दिता, तुसी अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हो, ते डायमंड दा मैं $20 कर दिता है। सो देखो नैक्सट हैगा अडिशनल आर्स, हुण इहदे विच तुसी अडिशनल आर्स एक्सट्रा चार्ज मतलब इत्थों लगा सकते हो। सपोज कि कोई तुसी अडिशनल काम करना होवे ना, तो उहदे तुसी किन्ने घंटिया दे विच काम कर सकदे, मतलब क्लाइंट तां तुसी काम करा रहे नाले उहनूं तुहानूं होर की काम देना आ, तां उह तुसी चूज़ कर सकदे हो। एक्सट्रा चार्ज मतलब कि तुसी एक दिन की बजाय 12 घंटिया दे विच काम जिहड़ा डिलीवर करोगे तां तुसी उहदे एक्सट्रा चार्ज लओगे, मतलब कि $10 लओगे एक्सट्रा, दैन उह तुसी इत्थे जिहड़ियां सैटिंग्स उहदियां कर सकदे हो कि किस तरह तुसी करनी आ। सो नैक्सट हैगा अडिशनल रिवीजनस, अगर थोड़े को क्लाइंट एक्सट्रा रिवीजनस मंगता दैन तुसी उहदे एक्सट्रा चार्जेस भी उन्हों अलग तो लगा सकते हो। सपोज ज़्यादातर आप बिगनर आ इस करके आप ये 3 पैक नहीं लगाते, ज़्यादातर आप जो पैक आ वो बेसिक वाला लगा लें कि अपने जो क्लाइंट आ उन्हें ज़्यादा कन्फ्यूज ना होना पाए, क्योंकि आप सिर्फ अजे बिगनर आ, जो अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ जाता दैन आप जो 3 पैक जोड़े वो लगा सकते हैं। सपोज मैं ये बेसिक ही सिलेक्ट कर दिनी हाँ, हूँ मैं उन्हों ऑफ कर दिता 3 पैक नू। सो इहदा नाम मैं इत्थे सपोज रख दिनी हाँ स्टैंडर्ड, मैं इस पैक का नाम स्टैंडर्ड रख दिनी हाँ, और इहदे विच मैं चेंजेस कर दिनी हाँ कि मैं किन्ना काम करना है। सपोज मैं इत्थे लिख दिता
20 पेजेस का काम जरा करूँगी और मैं आर्स ऑफ वर्क भी इतों सिलेक्ट कर लेना है, उस तो बाद क्लीन अप करके देना है या नहीं वो भी इतों सिलेक्ट कर सकते हो तुम, जिस तरह की मेरे को हूँ एक पैक है तेन मैं ये सिलेक्ट कराँगी। उस तो बाद टेबल एंड ग्राफ बना के दे सकते हो वर्ड और एक्सल दे, दैन वो भी चूज कर लो, रिविजनस चूज कर लो, दैन उस तो बाद प्राइस भी चूज कर लेना है। आप देखो आर्स ऑफ वर्क जरा मैं थोड़ा चेंजस कर लगी हाँ कि 6 आवर्स कर दिनी हाँ मैं इतों, तो डिलीवरी टाइम भी मैं इतों 2 दिन का कर दिनी हाँ कि मैं 2 दिन के काम करके देवगी। सो इस तरह एक्सट्रा फास्ट डिलीवरी जी मैं वो कर दिनी कि मैं 1 दिन के काम करके दे सकती हाँ, अगर थानू 1 दिन के काम चाहिए आ दैन वो एक्सट्रा चार्जिस लगनगे। सो मैं इतों जो एक्सट्रा चार्जिस लगा दिनी हाँ, सपोज जिदा इतों मैं ये $10 सिलेक्ट कर दिते, उस तो बाद सेव एंड कंटिन्यू उत्ते क्लिक करना जो थोड़ा प्राइस सैट हो गया। जो तुसी नैक्सट क्लिक करोगे दैन अपना थर्ड स्टैप आ जाएगा जिदे विच आपां डिस्क्रिप्शन लिखनी हुंदी है अपने गिग की, जिस तरह आप अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखी सी इसी तरह आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी। सपोज जिदा कि आ पहला आप ओपन किया होया सी कोई किसी का गिग, तो देखो आ देखो अबाउट दिस गिग, अबाउट दिस गिग मतलब कि यदि डिस्क्रिप्शन दिती हुई है, मतलब जेड़ा भी तुसी काम करना वो रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होंगी आ, ये किसी का भी कॉपी नहीं करना क्योंकि कॉपी किया हुआ गिग कभी भी नहीं चल सकता। सो तुसी अपने अकॉर्डिंग ही लिखना, अपने काम के अकॉर्डिंग ही लिखना है, स्पेसिफिकेशन थोड़ी करैक्ट होनी चाहिए आ। सो तुसी आइडिया ले सकते हो बट तुसी किसी का कॉपी नहीं करना। सो जिदा कि मैं आ लिख लिया आ, वीडियो लंबी ना होवे सो मैं वो पार्ट कट दिता लिखन का, सो मैं इतने पेस्ट करके थानू दिखा दिता कि किस तरह ही करना है। उस तो बाद सेव एंड कंटिन्यू देते क्लिक किया, नैक्सट पेज अपना ओपन होया रिक्वायरमेंट्स। हुण तुसी क्लाइंट्स तो किहड़ी किहड़ी चीज़ की डिमांड कर दे, सो उत्थे थानू कुछ ना कुछ लिखना पैना, अदरवाइज थानू नैक्सट तुसी नहीं जा सकते। सो तुसी इत्थे क्लाइंट कोलो किहड़ी किहड़ी चीज़ की रिक्वायरमेंट आ कि क्लाइंट ऑर्डर करन तो पहला थानू वो चीज़ प्रोवाइड करे ही करे, दैन वो चीज़ तुसी इत्थों जिहड़ी है सिलेक्ट कर सकते हो। आ तीन बॉक्स बने हुए इन्हों विचों भी तुसी अकॉर्डिंग टू अपने सिलेक्ट कर सकते हो, जिदा कि मैं इतने कर दिता सेंड मी कंप्लीट डिटेल, ठीक है, एंड मैं उन्होंने जी ईमेल आई डी वो भी मंग ली है, ये सेव एंड कंटिन्यू देते मैं क्लिक किया। उस तो बाद फिर गैलरी के जाके तुसी इतों गिग सिलेक्ट करना, देखो मैं गिग पहला ही बना के रख्या होया, सो मैं इतने ब्राउज करके अपना गिग सिलेक्ट कर लैनी हाँ। नैक्सट वीडियो तुसी देखोगे कि गिग नूं आपां बना किद्दां सकते हाँ, सही साइज़ दे विच गिग नूं किद्दां क्रिएट किया जाता है, जल्दी वो वीडियो मैं थानू पावांगी ते तुसी सीख सकते हो कि वो गिग किस तरह आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल के थ्रू भी तुसी कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू उत्ते क्लिक करना, गिग अपना लग चुका है। हम देखो वो कह रहे कि ऑलमोस्ट देयर, बट थानू इतने कहें कि एक टैसट देना पवेगा, इंग्लिश का बेसिक टैसट हों, बहुत ही बेसिक टैसट हों जिद प्रोनाउंसीएशन वगैरह थोड़ी चैक की जाती है। सो इस टैसट में तुसी क्लिक करना, टेक ए टैसट के उत्ते क्लिक करके तुसी ये टैसट देना है, इस 40 क्वेश्चन होंगे आ 40 मिनट का थोड़े को टाइम हों, हर क्वेश्चन लिए मतलब 1 मिनट का थोड़े को टाइम हों, फिलिंग द ब्लैंक्स हों, जस्ट बहुत ही ईजी हों, को सिलेबस दिता हुआ देखो, टेस्ट सिलेबस दिता हुआ कंजक्शन प्रोनाउंसीएशन प्रपोजिशन एडजेक्टिव वर्ब्स सारे ही दिते हुए, तुसी इन्हां नूं देख सकते हो, इन्हां दी अगर थानू नहीं नॉलेज हैगी तां थोड़ी इहदी प्रैक्टिस करके उस तो बाद इस टेस्ट नूं तुसी दे सकते हो, अदरवाइज जिहड़ा इह टेस्ट आ तुसी जिहड़ा अगर तुसी नहीं दे पाउंदे दैन फिर इह थोड़ा टाइम दे, मतलब कि 2 थर्ड तुसी रीटेक लै सकदे, उस तो बाद शायद मे बी इह 24 आवर्स दा इह टाइम चले जांदा आ, ज़्यादा टाइम तुसी रीटेक ना करना ताकि थोड़ा गिग जिहड़ा वो ब्लॉक ना हो जाए। सो पहला तुसी इस दी रिवीजन कर लेना, उस तो बाद ही इस नूं चंगी तरह पढ़ लेना कि इंस्ट्रक्शंस की दित्तियां होईयां ने, की तुसी करना है ते की नहीं करना। सो ये सारा कुछ पढ़न तो बाद तुसी स्टार्ट टाइम दे उत्ते क्लिक करना है, स्टार्ट टेस्ट के उत्ते क्लिक करना है। जो तुसी स्टार्ट टेस्ट के उत्ते क्लिक करना दैन अपने कोल एक विंडो ओपन होनी जिहदे विच उन्होंने लिखा आ कि तुसी टेस्ट दिंदे टाइम कोई भी होर विंडो ओपन नहीं कर सकते, अगर तुसी ओपन करोगे तो दैन थोड़ा टेस्ट जिहड़ा आ वो डिसमिस कर दिता जाएगा। सो इस करके तुसी कोई होर विंडो ओपन नहीं कर सकते कि तुसी सर्च करन लग जाओ जां कुछ होर करन लग जाओ, बट अगर थोड़ा टेस्ट ये क्लीयर नहीं हों तो मैं कमेंट बॉक्स जरूर दसना, मैं थानू ये एक ट्रिक दसूँगी कि जिस तरह तुसी इस टेस्ट को क्लीयर कर सकते हो बहुत ही आसानी के नाल। देखो हुण मेरी टेस्ट विंडो ओपन हो गई है, देखो मेरी पिछलियां विंडो सारिया उन्होंने क्लोज कर दती, मैं होर कोई विंडो ओपन नहीं कर सकती, अगर ओपन करूँगी दैन वो मेरा हाइड कर देंगे, मेरा टेस्ट जिहड़ा डिसमिस कर देंगे।
सो देखो फर्स्ट अपने को जिस तरह यह फिलिंग की ब्लैंक दी हुई इस तरह दिलिंग की ब्लैंक्स होंगे इन्होंने थोड़े ऑप्शन दिखाई हुई होंगे आ तुम इन्होंने ऑप्शन के ऑप्शन जी सही है वो सिलेक्ट करके नैक्सट कर देना। देखो मैं सैकेंड के उत्ते आ गई हाँ। इस तरह तुम बहुत ही ध्यान दे इस लाइन में पढ़ना आ फिलिंग की ब्लैंक्स में पढ़ना आ बहुत ही ध्यान सोच समझ के आंसर देना आ। मैं इतने पूरा टेस्ट तुम्हें नहीं दिखा रही हाँ बट अगर तुम ये पूरा टेस्ट देखना चाहते दैन मैं कमेंट बॉक्स के जरूर दसना मैं एक पूरे टेस्ट की वीडियो जरूर बनावगी ताकि ज़्यादा क्लीयर हो जाए। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो मैं दो क्वेश्चन ही तुम्हें दसे आ इस तरह ही जो क्वेश्चन आंसर उन्होंने पुट करके नैक्सट नैक्सट करते जाना है तो थोड़ा टेस्ट लास्ट के उत्ते क्लीयर हो जाएगा। उस तो बाद ही तुम्हें यह पब्लिश गिग की ऑप्शन मिलेगी उस तो पहला तुम्हें यह पब्लिश गिग की ऑप्शन नहीं मिलेगी। सो उस तो बाद लास्ट के उत्ते जोड़ा गिग आ वो सेव होना शुरू हो जाएगा तो यह जोड़ा आ पब्लिश हो जाएगा मतलब कि हूँ यह पब्लिकली पब्लिश हो चुका है। सो यो साडा गिग आ ये मतलब कि हूँ थोड़ा बायर कोई भी इनू जो जो भी देखेगा और थानू वो ऑर्डर प्लेस कर सकता अगर थानू उसका अगर क्लाइंट गिग पसंद आता है। सो शेयर बटन के उत्ते क्लिक करके तुम इस अलग अलग सोशल मीडिया के उत्ते शेयर कर सकते हो जिस तरह फेसबुक हो गया लिंकडिन हो गया ट्विटर व्हाट्सएप या फिर किसी होर भी आप कॉपी करके लिंक जोड़ा आ सेंड कर सकते हैं। सो ये अपनी कंप्लीट फाइवर का सैटअप। सो ये जो सैटअप हो जाता है तो अपना गिग क्रिएट हो जाता है। सो गिग की इमेज को किदा क्रिएट किया जाता है ये आप अगली वीडियो के देखेंगे। सो ये आज की वीडियो। सो चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना बैल बटन के आइकन पर जरूर क्लिक करना। थैंक यू।